और वही ज्ञान अन्य महापुरुषों को दिया और गरीबदास जी को बताया कि जैसे कसाई बकरे पालता है उनके लिए सब सुविधा देता है, उनके लिए एक चरागाह बनाता है, शेड डालता है, झोंपड़ी, चारों तरफ इंसेक्ट प्राणियों से, पशुओं से बचाने के लिए बाड़ करता है, अंदर ही तालाब बनाता है और दो तीन पालित रख देता है उनको संभालने के लिए। तो वो भोले प्राणी, भोले बकरे बकरियां, नर्मदा छोड़ देता है, वो बच्चे पैदा करते हैं, उनमें कितनी ममता जितनी आप और हम की अपने परिवार के अंदर है। और उनमें आपस में भी कोई बकरा बकरी किसी के बच्चे को कोई सिर मार देता है तो फिर उसके साथ लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, यानी उस बच्चे के माता पिता के, तुमने मेरे बच्चे को क्यों मारा। तो वही वृत्ति जो हमारे अंदर है, वही पशु बने हैं, उनमें जोंकी तो वही है। आपस में हम लड़ते रहते हैं और हम सभी आहार काल के हैं। तो दूसरे वो बकरे सोचते हैं कि हमारा मालिक कितना रहम है, इसके अंदर कितना दयालु है और कितना मेहरबान है, हमारे लिए कितनी सुविधा दे रखी है। और उस समय वो भूल जाते हैं जब उनको वो श्याम को कान पकड़ पकड़ कर ले जाता है, उस समय वो नहीं देखता किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है, कौन किसकी मार, कौन किसका बाप है। एक तरफ से मोटे मोटे छांट के और कड़च करवा देता है। पुण्यात्मा, कुछ दिन में आपका यह बात कति हृदय में जम जाएगी कि हमारा यहाँ उद्देश्य क्या है जीने का, हम किस लिए पैर पीट रहे हैं। एक सेकंड का कोई विश्वास नहीं कब बिजली गिर जा, और फिर हम छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं। हम पहले ही दुखी है जब हमें ज्ञान होगा कि हम सारे दुखी यहां पर, और फिर दुखी को दुखी हम करें, हम कितने नीच हैं, कितने निकम्मे आदमी हैं। हम स्वयं एक काल के जाल में, कसाई के बाड़ी में हैं, और फिर भी हम एक दूसरे साथ लड़ रहे हैं। हमें तो अपनी जीवन की रक्षा की भीख मांगनी चाहिए परमपिता समर्थ से, हे भगवान किसी प्रकार इस कसाई के बाड़े तक निकाल दो, इस कसाई के घेरे तक हमें छुड़वाओ दाता। परमात्मा ने अब समय धर दिया था कसाई के बाड़े को तोड़ने का, अब ये समय है, कसाई का बाड़ा तोड़ दिया और जिस पर निकला जाओ निकल जाओ। उस समर्थ ने अब ये रास्ता खोल दिया आपका, और अब भी कोई आंख नीचे पड़ा रहेगा उसके साथ बेवकूफ और मूर्ख नीचे राष्ट्रपति बन रहा हो किसी देश का। ये ज्ञान जब हृदय में समाओगा, क्योंकि समाएगा, क्योंकि हमने रामायण गोट रखी, महाभारत कंठस्थ याद कर रखे थे, उनके दादे पड़दादा के नाम घोट रहे थे, जिनकी कति जरूरत नहीं हमने, हम इसे मूर्ख थे। अब हमने अपने कुल को याद करना पड़ेगा। कबीर साहब क्या कहते हैं, कबीर कुल खोए कुल होत है, कुल रखे कुल जाए, राम ने कुल कुल भेंट लो, सब कुल रहा समाए। कहते हैं कुल खोए कुल होत है और कुल रखे कुल जाए। हम अपने वंश को बचाने के लिए और भगवान से दूर रहते हैं, उसी यानी परिवार के पोषण में, उसे के सब कुछ करने में हम भगवान के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं कि मेरा परिवार है, मेरा कुल चले। कहते यूँ कुल तो रहेगा ही नहीं, ये तो तेरा वंश रहेगा ही नहीं, एक दिन नष्ट होगा। फिर क्या बताते हैं कि कुल खोए कुल होत है और कुल रखें कुल जावे, और कहते राम ने कुल कुल भेंट लो, जिसमें सब कुल रहा समाए। आप उस कुल में आ जाओ, जैसे आप इस दास के वचन के बेटा बेटी होगे। दो प्रकार से वंश है यहाँ पर, एक तो बिंद से यानी माता पिता के संयोग से, एक तो वो कुल है, वो कुल तो नासवान है,
और एक कुल है जो वचन के बेटा बेटी हो गए, आपने दास से दीक्षा ली, आप मेरे वचन के पुत्र पुत्री हो गए, आप एक राम कुल हो गया, आपका भगवान वाला वंश शुरू हो गया। अब आपके जो बच्चे आ रहे हैं वो भी दास से दीक्षित हो गए, तो ये कुल आपका सदा रहेगा और सतलोक में जाके वो कुल फिर अविनाशी बन जाएगा। तो यहां परमात्मा कहते हैं कुल खोए कुल होत है, यानी उस कुल को भूलांगे और भगवान की तरफ हम समर्पित होंगे, और कुल रखे कुल जाए और राम निकुल कुल भेंट ले, जिसमें सब कुल रहा समाए। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम इस काल के जाल में फंस के, अज्ञान काल ने तो अज्ञान भरवा रखा पूरे विश्व में, अब इस काल के बाड़े को कैसे तोड़ा जाएगा? अभी तो इस बाड़े से को तोड़ा है, लेकिन और भी शेष जितना स्थान है, जैसे पृथ्वी पर तोड़ दिया तो स्वर्ग इसी का है, आपने पुण्य अच्छे कर रखे स्वर्ग में, वो भी एक इसी कसाई का ही बाड़ा है, वो भी एक जेल है, मूर्ख बनाकर वहां रखता है, आपके पुण्यों को खुद किसी में 10% किसी में 20% आप पर टैक्स लेता आपके पुण्यों से, तब ये अपना गुजारा चला रहा है यहाँ पर 21 ब्रह्मांड को। और जब आपके वहाँ पुण्य खत्म हो जाते हैं, नीचे पटक देता है, फिर कमाओ। तो परमात्मा ने आके इसका सारा इंद्र जाल समझाया है और फिर हमें बताया है। अब ये विश्वास करने के लिए कि हम कैसे विश्वास करें कि जो भक्ति हम कर रहे हैं ये श्रेष्ठ है, या हमें जो ज्ञान प्राप्त है ये सबसे उत्तम है, तो इसके लिए दास ने बताया कि सबसे पहले आपको अपने सदग्रंथों पर विश्वास करना होगा। और सदग्रंथ बता दिए हैं, सूक्ष्म संवेद, चारों वेद, श्रीमद् भगवद गीता, ये हैं परमात्मा पाने और अध्यात्म ज्ञान को जानने के। उसके बाद जो पुराण है, 18 पुराण है, उपनिषद हैं। पुराण जो है ये ब्रह्मा जी का दिया हुआ ज्ञान है, ब्रह्मा जी से दक्षादि ऋषियों को प्राप्त हुआ, उन्होंने फिर अपने वंशज ऋषियों को बताया, उन्होंने कुछ ब्रह्मा से सुना हुआ ज्ञान, कुछ अपना अनुभव मिलाकर ये 18 पुराण ऋषियों ने अलग अलग बना दी। इनमें किसी ने कोई मंत्र बताया है, किसी ने कोई जाप बताया है, किसी ने कोई साधना की, जिसने जैसे डले ढोए उसने आगे अपने शिष्यों को वही अनुभव बता दिया और उससे ये पुराण बन गई। उसके बाद जैसे ये पवित्र बाइबल के अंदर 3 बुक हैं, होली बुक, जंबूर, तोरात और इंजिल, इन तीनों का संग्रह बाइबल है। उसके बाद चौथी बुक है कुरान शरीफ। अब गरीबदास जी ने कहा कि वही 4 वेद हैं और वही 4 कतेब, यानी इन वेदों का जो ज्ञान है, काल ने क्या किया, सूक्ष्म वेद को निकाल दिया, जिसमें पूर्ण ज्ञान था भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसकी प्राप्ति कैसी हुआ, क्या सुख है। लेकिन परमात्मा के डर से इसने कुछ वेद रख लिए, क्योंकि आत्मा भगवान के बिना रुक नहीं सकती, इसको मालूम था, तो इसको मूर्ख बनाने के लिए इनकम्प्लीट नॉलेज दे दिया 4 वेदों का, और उसी का सारांश फिर सूक्ष्म बना करके श्रीमद् भगवद गीता इसी ने खुद बोल दिया। कुछ वेदों का ज्ञान, कुछ युद्ध कराने के लिए इसने अपनी बकवाद भी इसमें साथ में भर दी श्रीमद् भगवद गीता में। तो इस जो वो 4 किताबें हैं, उसमें उस काल ने वो ज्ञान नहीं दिया, क्योंकि वो पहले दे चुका है जो उसने बोलना था श्रीमद् भगवद गीता में, चारों वेदों में। उसके बाद उसने अक्षेत्र वाइज जैसा भी उनको सेटिंग करनी थी उसी तरह की ज्ञान दे दिया कि ये पड़े रहें और यहाँ दो कुछ भी खाओ पियो, कुछ भी करो, अपने कर्म फोड़ो, ना वेदों में कहीं मांस खाने का, ना श्रीमद् भगवद गीता में मांस खाने का प्रावधान है, किसी भी विकार का प्रावधान नहीं है। रही बात अन्य पुराण या कुरान या बाइबल में, जहाँ तक उस परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है वो तो बिल्कुल स्वच्छ है, जैसे पवित्र बाइबल में और प्रथम बुक है तोरात। बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ में सबसे पहले लिखा है कि परमात्मा जो पूर्ण है,
उसने 6 दिन में सृष्टि रची और उसने मनुष्यों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, जितने भी प्राणी हैं उनके लिए खाने का विधान बता दिया कि मनुष्यों के लिए तो फलदार और बीजदार पौधे, और पशु पक्षी और जलतरों के लिए घास फूस खाओ, नथिंग एल्स। तो वो परमात्मा तो 7 दिन में सृष्टि रच कर पृथ्वी आदि बना कर और जीवों की उत्पत्ति करके वो तो 7वें दिन तख्त पर जा बैठे। उसके बाद इस काल भगवान ने बागडोर संभाल ली, इसने अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा यही प्रेत या प्रेत की तरह प्रवेश करके स्वयं भी उनमें बोलने लग गया। तो पवित्र बाइबल में या आगे पवित्र बाइबल में उससे आगे कहीं पर भी कोई मांस खाने का प्रावधान है या कुरान शरीफ में मांस खाने का प्रावधान है तो वो अल्लाह अकबर का नहीं है, वो पूर्ण परमात्मा का नहीं है, वो तो काल के इन फरिश्तों का है। तो वो हमने माने नहीं है। तो इसी प्रकार जो मूल ग्रंथ हैं परमात्मा पाने के वो चारों वेद और श्रीमद् भगवत गीता और नहीं है। या तो परमात्मा वाला सूक्ष्म वेद तो वो तो अलग ही है, लेकिन जो आप जिस पर विश्वास अधिक करते हो उनमें से ये है मार्ग, ये है वो ग्रंथ। और इनमें कौन से मंत्र हैं परमात्मा पाने के? ओनली ओम मंत्र है चारों वेदों में और श्रीमद् भगवद गीता। उसके साथ साथ उन्होंने एक ऑप्शन भी छोड़ा है गीता ज्ञान दाता ने कि कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज परमात्मा स्वयं आकर बोलता है अपने मुख कमल से, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में। इसमें यहाँ इन अज्ञानी अनुवादकर्ताओं ने, गीता अनुवादकर्ताओं ने अज्ञान भर दिया जहाँ इनकी बुद्धि स्लिप कर गई, काम नहीं करा, क्योंकि ज्ञान तो इनको था ही नहीं। उसमें लिख रहा एक ब्रह्मणे मुखे शब्द है, ब्रह्मणे मुखे 4:32 श्लोक में इन्होंने यहाँ अनर्थ कर दिया, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया ब्रह्मणे का। एक मोटे से दिमाग की बात है, जैसे संविधान और राजा दो हैं, ब्रह्म है राजा भगवान और वेद है उसका विधान, इसी प्रकार राजा और उसका विधान, जहाँ संविधान की महिमा हो, जहाँ राजा की महिमा हो, राजा का अर्थ कोई संविधान करता है तो महामूर्ख व्यक्ति है। तो ब्रह्मणे का अर्थ है पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म। इन्हीं अनुवादकर्ताओं ने 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में लिखा है, वहाँ ब्रह्मणे, वहाँ भी ब्रह्मणे शब्द है, ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है ब्रह्मणे। वहाँ इन्होंने ठीक अनुवाद किया, सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा को पाने का इस 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, निर्देश माने नथिंग एल्स। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं उस परमात्मा के पाने का। ओम तो ब्रह्म का, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 पुरुष हैं, पुरुष माने प्रभु, ब्रह्म एक सर्वपुरुष उसको सर्वब्रह्म कहो, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और दूसरा अक्षर पुरुष अक्षर ब्रह्म कहो उसको, वो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। और इन दोनों के लोकों में जितने इनके अंतर्गत प्राणी हैं और ये स्वयं भी नाशवान है लेकिन जीवात्मा किसी की नहीं मरती, वो तो विषय अलग है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते है। पुणात्माओं ये है सूक्ष्म वेद और ये है गीता का ज्ञान। इसमें कितना गजब कोडवर्ड लिखे हैं कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, श्रेष्ठ परमात्मा यानी पुरुषोत्तम जो सही भगवान है, श्रेष्ठ प्रभु है, वो तो कोई इन दोनों से सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है और उसी को परमात्मा कहते हैं। ओए होए देखो, अब कसाई ने कोई नेक आदमी कहता है तो कहते रहो, आदमी तो नेक होगा लेकिन कर्म तो ठीक हो ना उसके। तो यहाँ बताया परमात्मा का अर्थ है वो परम शक्ति जो सबसे परम श्रेष्ठ है और जो केवल सुख देता है दुख नहीं देता, वो मारता नहीं, पैदा जरूर करता है वो मारता नहीं, उसको परमात्मा कहा जाता है। और इस कसाई काल को परमात्मा कह रहे हैं,
किसी का बेटा मारा, किसी की बेटी मारी, किसी का कुछ मारा, किसी की टांग टूट गई, किसी कैंसर हो रही, हाहाकार मचारे, बुचड़ खाना, ये पूरा है कोई जीव सुखी? चाहे कितना अपना चिकना चोपड़ा दिखता, चाहे पूरी पृथ्वी का राष्ट्रपति हो, अंदर से खोखले हैं सभी बिना भक्ति के। तो परमात्मा ने हमें दृढ़ करना चाहा है कि तुम किस लोक में पड़े हो। अब क्या बताते हैं कि परमात्मा इति उधारते, उसको भगवान कहा जाता है, ओए होए उसको परमात्मा कहते हैं। यह लोक धर्म अविसे विवर्ती अवेश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वास्तव में वो है अविनाशी परमात्मा। अब यहाँ कुछ भले आदमी जो हठ धर्मी हैं, जो छोटी मोटी कोई संस्था चला रहे हैं या कोई गुरु पद प्राप्त हैं, वो क्या मूर्ख बनाते हैं अपने शिष्यों को कि रामपाल 15वें अध्याय के 18वें अध्याय का जिक्र क्यों नहीं करता? उसमें ये गीता ज्ञान दाता कहता कि मैं पुरुषोत्तम हूँ। उनकी अकल तो पत्थर तो पड़े हुए हैं पहले से ही। वो चाहते हैं कि शिक्षित लोगों को भी मूर्ख बनाएं, लेकिन अब वो समय जा लिया है, अब मूर्ख नहीं बनेंगे हम। अब सुनो 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में क्या कहा है। अब जो उसने बताना था वो बता दिया कि श्रेष्ठ परमात्मा पुरुषोत्तम तो कोई और है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में भी कहता कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसी की कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में जो वो कहता है कि मैं लोक वेद के आधार से, लोक वेद होता है सुनी सुनाई बातें, दंत कथा। जैसे हम लोक वेद सुन रखे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश का कोई माता पिता नहीं, और विष्णु जी सर्वेश्वर हैं, शंकर भगवान मृत्युंजय कालज सर्वेश्वर, सर्व सृष्टि के रचनिहाले, सबके पालन पोषण करने वाले, ये अजर व अमर है, इनका कभी नाश नहीं होता। ये था लोक वेद। और यो लोक वेद पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू धर्म के करोड़ों भक्तों ने सत मान लिया था। अब इसका वास्तविकता का पता चला, ये नाशवान, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं, ये है यथार्थ ज्ञान, और वो था लोक वेद। तो ये गीता ज्ञान दाता 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि मैं तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। किस लिए? क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, मैं इनसे तगड़ा हूँ, इनसे श्रेष्ठ हूँ, ये मेरे कंट्रोल में, बस इतना इतना प्रभु है, ये इतना पुरुषोत्तम है। 21 ब्रह्मांड में जितने प्राणी इनसे ताकतवर है, ये 1000 कला का भगवान है, और ब्रह्मा विष्णु महेश ये 16 कला के भगवान है। इनसे ये सोच लो कि ये 16 हॉर्स पावर की मोटर है, वो 1000 हॉर्स पावर का, और कबीर साहब तो थर्मल प्लांट है, पावर का अंत नहीं उसका। तो अब ये आते हैं गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में जो कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविधे समर्थ। यहाँ इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ सही कर दिया, सच्चिदानंद गण ब्रह्म, यानी उस परम अक्षर ब्रह्म को पाने का केवल ओम तत्सत, यही एक तीन मंत्र का प्रावधान है, निर्देश है और कोई नहीं। ओम तो ब्रह्म का, वेदों में केवल ओम नाम है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, इति बस यही। और अंतिम सांस्तक जो इसका सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? क्योंकि ब्रह्म का जाप है तो ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में है, उनकी जन्म मृत्यु कभी समाप्त नहीं होती। और ये गीता ज्ञानदाता स्वयं भी कहता है 2 अध्याय के 12वें श्लोक में और 4 अध्याय के 5 और 9 श्लोक में,
और दसवें अध्याय के दो श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। मेरी उत्पत्ति को ये देवता भी नहीं जानते क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसी से जन्मे हैं, तो पिता की डेट ऑफ बर्थ बच्चे नहीं जानते, दादा बताया करें। तो दादाजी ने आके बता दिया कबीर भगवान ने कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता ये ज्योतिरूपी निरंजन और दुर्गा हैं, इनका कैसे जन्म हुआ, कब हुआ, उन्हें सारी डेट बता रखी, हुई स्थान बता रखी। तो इसे सिद्ध हो गया कि ये ठीक कहता है कि ब्रह्म की साधना करने वाला ओम के जाप से ब्रह्मलोक जाता है, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु मारते हैं और ये भी जन्म मृत्यु के अंदर है। जिसको हम इष्ट मानकर पूज रहे हैं उसकी जन्म मृत्यु होती है, तो हम कैसे बचेंगे, उस हमें कैसे वो स्थान मिलेगा, कौन सा? 15वें अध्याय के चौथे श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और वो परमात्मा वो है जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। वहाँ गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति भी त्याग दे केवल उसकी भक्ति कर। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि परमात्मा यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म वो स्वयं अपने मुख कमल से यहाँ प्रकट होकर अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है वो तत्व ज्ञान है और उसमें कंप्लीट सप्रोचर नॉलेज है। उसमें यज्ञों की यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है और उसके जानने के बाद फिर तो सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वो ज्ञान तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर, कपट छोड़कर प्रसन्न कर, तब वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्वों का तत्व ज्ञान बताएंगे। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को भिन्न भिन्न बताओगा। और ये परमात्मा ने स्वयं 600 वर्ष पहले अपने मुखकमल से बोलकर उस तत्व ज्ञान में बता ही रखा है। अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो सरपुरुष कहो, निरंजन वाकी डारे, ये तीनों देवा शाखा हैं वही पात्र रूप संसारी। ये है तत्व ज्ञान जो परमेश्वर कबीर देव ने, कबीर साहब ने दुष धाणक दुलाहे ने, जिसको हम धाणक और दुलाह कह के एक शूद्र मान के कवि की संज्ञा, कवि की उपमा दे करके हमने उसकी हिस्ट्री बंद कर रखी थी। वो लाल है, वो पूर्ण परमात्मा है, आज हम उसको पहचानने योग्य हो गए। उसने 600 वर्ष पहले कहा था अक्सर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, उस वृक्ष का तना उसको वो समझो अक्सर पुरुष है। उसके फिर मोटी डार निकले एक, वो सर पुरुष यानी ज्योति निरंजन समझो, और उसके तीन शाखा ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु उत्तम गुण शिव जी, ये तीन शाखा है। उसके आगे जो पत्ते लगे हुए वो आप जी हैं, हम है, संसार है। अब फिर जड़ कौन है उस वृक्ष की, उस जड़ को बताने के लिए दास भेजा, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो कबीर साहब है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहारे।